वेलकम टू माय शो शमी भी ऑन द प्लेट। आज हम बनाएंगे चीज स्टफ मशरूम। भाई पार्टियों का टाइम है तो कुछ ना कुछ अच्छा सा स्टार्टर तो बनता ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सामग्री देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बटन मशरूम, 100 ग्राम प्रोसेस चीज, 100 ग्राम मोजरेला चीज, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरेगानो, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून चॉप हरा धनिया, 1 कप ब्रेड क्रम, 1/2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर बैटर के लिए, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा नमक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन मशरूम को देख लेते हैं। मशरूम के हमने है ना ये इस तरह से स्टेम्स निकाल लेने हैं इसके। तो ये बॉल निकाल लेती हूँ एक, और इनकी इस तरह से कैविटी बन जाएगी, ये इस तरह से रख देंगे इसमें। इसी तरह से सबके निकाल ले। ये बहुत ही अच्छी डिश है, ये अंदर से एकदम जूसी रहता है और बाहर से एकदम क्रिस्पी रहता है, तो बहुत मज़ा आता है। मेरे घर में जब भी पार्टी होती है तो ये ज़रूर बनता है। चलिए अब हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग के लिए ये चीज़ ले रही हूँ, ये प्रोसेस चीज़ लिया है 100 ग्राम। इसको कद्दूकस कर ले आप। इसी के साथ ऐड करेंगे ये थोड़ा सा मोजरेला चीज़, बराबर लिया है मैंने, जैसे 100 ग्राम ही मोजरेला चीज़ लिया है। दोनों को अच्छे से कद्दूकस कर ले। अब इसमें डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स, ये अच्छे से तीखापन देगा इसमें हल्का हल्का। इसमें डालेंगे ओरेगानो, 1 टीस्पून ओरेगानो डाल देना है। इसी के साथ डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी डाल दें इसमें, और थोड़ा सा ये चॉप हरा धनिया डाल देंगे इसमें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें, और इसमें हल्का सा नमक जाएगा क्योंकि चीज़ में भी बहुत नमक होता है, इसलिए बस थोड़ा सा ही नमक डालना है हमने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये मिक्सचर तैयार हो गया है, अब इसे साइड में रख लेते हैं। अब हम इसका एक बैटर तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बनाना है हमें। ये बॉल निकाल लेते हैं एक। इसमें लूंगी मैं ये मैदा, 1/2 कप मैदा ले रही हूँ इसमें। इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसी के साथ जाएगा इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और इसी के साथ इसमें भी थोड़ा सा डाल देंगे हम नमक। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा बैटर तैयार कर लेना है हमने। मशरूम के साथ गार्लिक बहुत अच्छा जाता है, इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मशरूम के साथ। एकदम गाढ़ा बैटर तैयार करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए इसमें। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। ये बैटर तैयार हो गया, इसे साइड में रख देते हैं। अब हम इन मशरूम में ये चीज़ का जो मिक्सचर बनाया है, अब हम इसमें मशरूम में भर देंगे। इसमें स्टफ कर देते हैं अच्छे से, ये देखिए ऐसे अच्छे से दबा के भर लें इसमें। ये जब बनेगा और जब इसके अंदर जब चीज़ मेल्ट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। इसी तरह से सब में हमने इसमें इस तरह से भर लेंगे। ये स्टफ कर लिए मशरूम में अच्छे से। चलिए इसको अंदर रख देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको जो है हमने ये बैटर बनाया है मैदे का, इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से लगाए, एकदम गाढ़ा बैटर है ये, और इसको डाल दें इसमें, और इसको अच्छे से ब्रेड क्रम इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है। पूरा अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, ऐसे दबा दबा के इसको अच्छे से इसको लगा दें। ताकि जो चीज़ वगैरह हमने जो डाला है जब हम इसे फ्राई करेंगे तो वो बाहर ना आए। बस
देखिए इसी तरह से सारे तैयार कर लेंगे। ये ब्रेड क्रम्ब लगा के तैयार हो गए हैं मशरूम। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रिज में रख देते हैं इसे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो एक एक करके इसमें डाल दें। इसको आपने तेज आंच पर ही फ्राई करना है। इसे पहले थोड़ा एक साइड से फ्राई होने देंगे और उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। आप भी अपनी पार्टियों में इसे बनाइए और लोगों में अपना इम्प्रेशन जमाइए। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे बाहर। ये देखिए बहुत ही अच्छे कुरकुरे बने हैं एकदम। चीज़ इसमें मेल्ट होके थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब कि अंदर से अच्छे से कुक हो चुका है। ये गैस बंद कर देंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। प्लेटिंग के लिए प्लेट निकाल लेते हैं और इनको मैं अरेंज कर दूंगी इसमें। चलिए एक को हम इसे कट कर लेंगे। देखिए कितना जूसी बना है, देखिए एकदम है ना टेस्टी एकदम। और थोड़े से हरे धनिया से इसे गार्निश कर दें इस तरह से। ये तैयार है हमारे चीज़ स्टफ मशरूम। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ इन शमी बियॉन्ड द प्लेट। तब तक के लिए बाय बाय। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड कीप कुकिंग।